केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के ऑर्गेनिक कीवी को दिल्ली हाट में लॉन्च किया है और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे और राजस्थानी हस्तशिल्प उत्पादों का अवलोकन भी किया। देखिए रिपोर्ट। केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर की हस्तशिल्प कलाकार रूपा देवी की स्टॉल पर जाकर राजस्थानी हस्तशिल्प उत्पादों का अवलोकन किया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वस्त्रों पर की गई काश्तकारी को देखा और कलाकारी के लिए रूपा देवी और उनकी टीम की सराहना की। नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट, अरुणाचल प्रदेश का कीवी प्रोडक्ट, वो भी ऑर्गेनिक, आज दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ये शुरुआत है, पूरा देश भर में इसका प्रचार भी होगा, इसका सप्लाई भी होगा। ये देश के लिए आत्मनिर्भर बनाने का दिशा में बहुत बड़ा कदम है और हम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र में होंगे तो बहुत खुशी की बात है। तो ये कीवी जो है ना, ये बहुत बढ़िया ये फल है, इसका हाई वैल्यू है, बहुत पौष्टिक है और ये भारत बहुत बड़ा एक इसका प्रोडक्शन देश बन सकता है। हम इसको निर्यात कर सकते हैं, इसको बड़ी मात्रा में हम दुनिया में सप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा भविष्य है। वही केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने दिल्ली हाट पहुंचकर अरुणाचल प्रदेश के कीवी फल प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उन्होंने बताया कि आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और इसके साथ ही भारत सबसे ज्यादा कीवी को निर्यात करने वाला देश बन जाएगा। आज कीवी की हर जगह डिमांड है और अरुणाचल प्रदेश में कीवी की खेती भी जोरों शोरों से हो रही है। ऑर्गेनिक खेती है और ऑर्गेनिक खेती के जरिए भारत तो पहले से ही कृषि प्रधान देश है, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत भी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।